हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर आप इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की बात करते हो तो 15 से 20,000 रुपए का जो सेगमेंट है, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन वही प्राइस पॉइंट पे बेचा जाता है, क्योंकि वहां पर लोगों को सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे स्मार्टफोन है 15-20,000 रुपए की रेंज में, एक से एक स्मार्टफोन मिल जाते हैं। अब यहां पर उन लोगों को कम्पीट करने के लिए मोटोरोला अपने दो नए डिवाइस इंडिया में लॉन्च करने वाला है, मोटो G40 और मोटो G60। इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है, वो तो आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस पॉइंट पे आने वाला है, इसका वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक है टारगेट, रखता हूं 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमने जो है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन के पूरे 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, इंडिया लॉन्च डेट, सारी चीजों के बारे में बताया। तो M42 5G स्मार्टफोन की जानकारी चाहिए, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर मोटो G40 और मोटो G60 के बारे में। इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट की बात करें, 20 अप्रैल या बोल सकते हो 20 अप्रैल को यहां पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पेज वगैरह आ चुका है एंड यहां पर ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। साथ ही में स्पेसिफिकेशन वगैरह की अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोटो G60 के स्पेसिफिकेशन पूरे बता देता हूं एंड 2 से 3 चीजें आपको चेंज मिलेगी G40 और G60 में। तो G60 की अगर हम बात करें जो कि बड़ा भाई रहने वाला है, बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलेगा, काफी चमचमाता हुआ दिखने में फोन यहां पर काफी ही लग रहा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.8 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, एक आईपीएस पैनल है, लेकिन यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले ये बार यहां पर काफी बढ़िया सी मिलेगा, एचडीआर 10 को भी यहां पर ये सपोर्ट करता है, काफी बढ़िया बात है। साथ ही में रैम रोम की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है इंडिया में 664, 128 के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में एसडी कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा, यूएफएस 2.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलेगा। साथ ही में यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 10 Pro एंड Max वगैरह में हमने ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके, काफी डीसेंट स्टेबल चिपसेट आप इसे कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें, चुके फोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा G60 में आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल के साथ में ट्रिपल लेयर कैमरा, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड जो तीसरा कैमरा है आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। सेल्फी के लिए यहां पर भी कंफर्म हो चुका है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा। तो ऑन पेपर कैमरास काफी जबरदस्त लग रहे हैं, वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो यहां पर एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा एंड स्टॉक लाइक आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मोटोरोला के कुछ फीचर्स के साथ में, तो बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, एड्स वगैरह बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें यहां पर ये स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपको बैक साइड में मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर रहने वाला है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है आपको 6000 एमएएच की मॉन्स्टर बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड 20 वॉट का आपको जो है टर्बो चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको मोटो G60 में देखने को मिलेंगे इंडिया में 20 अप्रैल को। अब बात करें G40 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप बोल सकते हो 80-90% ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2 से 3 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो G40 फ्यूजन में थोड़े बहुत आप बोल सकते हो उसके डाउनग्रेड रहने वाले, सबसे पहली चीज जो रहेगी उसके प्राइमरी सेंसर को लेके। G60 में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जबकि G40 में जो है आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। दूसरे चेंज की अगर हम बात करें तो G60 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है जबकि G40 में जो है आपको बताया जा रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बाकी की अगर हम सारी चीजें देखें, प्रोसेसर से लेके बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग, डिस्प्ले वगैरह भी अगर हम देखेंगे तो बताया जा रहा है आपको ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन पे सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको यहां पर दोनों स्मार्टफोन पे मोटोरोला के देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्या प्राइस पॉइंट पे यहां पर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। तो अगर हम G60 की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है इंडिया में लाइक आपको 18,000 रुपए के आसपास की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, जबकि G40 फ्यूजन स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो वो बताया जा
हजार है, इंडिया में 15-16 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स थी मोटो जी 40 फ्यूजन एंड मोटो जी 60 के स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया, जो प्राइस पॉइंट बताया, अगर वो सारी चीजें पर अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तब आप क्या मोटोरोला के साथ में जाना पसंद करोगे, नहीं करोगे, आपकी यहाँ पर मोटोरोला से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।